हेलो दोस्तों, अभी मैंने 19 जनवरी को एक लर्निंग लाइसेंस को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया था और वो 23 जनवरी को लगभग 3-4 दिनों में वो बनकर के कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी प्रकार की जो लर्निंग लाइसेंस आपने बनाई है, वो चाहे घर बैठे बनी हो EKYC से या आपने RTO ऑफिस जा करके बनवाई हो, तो किसी प्रकार की लर्निंग लाइसेंस हो तो उसे आप डाउनलोड किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि वही जो वेबसाइट है parivahan.gov.in, इस वेबसाइट पर आइएगा और यहाँ से ऑनलाइन सर्विसेज में आकर के ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपको स्टेट चुनना है, जिस किसी भी स्टेट के अंदर आप सर्विस यूज करना चाहते हैं। तो मैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हूँ, तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके से एक आपके सामने पॉपअप आएगा, यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट लेस सर्विस लाइसेंस सर्विस। तो इसका मतलब है कि आप घर बैठे ही बिना RTO ऑफिस जाए EKYC के थ्रू आप यहाँ पर एक लर्निंग लाइसेंस इशू करवा सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, पूरी जानकारी दी है एक ही वीडियो में, बाकी अलग अलग जो शॉर्ट में वीडियोज बनाए हैं उनमें अलग अलग मैंने जानकारी दी है। तो अगर आप उन वीडियोज में इंटरेस्टेड हों देखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिसका नाम है ड्राइविंग लाइसेंस। वहाँ पर जाकर के आप ये वीडियोस देख लीजिए। अब आपको लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आप इस पॉपअप को कट कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है लर्नर लाइसेंस, इसमें आप आएंगे फॉर्म 3 जो होता है, ये होता है लर्नर लाइसेंस। ठीक है, आपको इसे ही डाउनलोड करना है। तो लिखा है प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे बता रहा है क्लिक हेयर टू सेट ब्राउजर सेटिंग टू व्यू डिजिटल साइंड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर बता रहा है कि अपने ब्राउजर की सेटिंग को आप इस तरीके से सेट कर लीजिए जिससे कि डिजिटली साइंड जो डॉक्यूमेंट हो उनको भी आप देख सकें। हालांकि मेरे सिस्टम में क्या है कि मेरे कंप्यूटर में ये मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है, अगर आपने नहीं सेट किया हो कभी तो इसको क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप सेट कर लीजिएगा। वैसे आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो भी सिस्टम आते हैं लगभग समय पहले से ही ये सेट होकर के आते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा कि आप लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर से डाउनलोड करना चाहते हैं या लाइसेंस नंबर से डाउनलोड करना चाहते हैं या मोबाइल नंबर से। चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन चुन लेता हूँ। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है सबमिट का, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पर हमने एंटर किया इस पर एक OTP चला जाएगा। वो OTP हम यहाँ पर इंतजार करेंगे, इंटर OTP नंबर, तो यहाँ पर हम वो OTP इंटर करेंगे। OTP डालने के बाद आप यहाँ सबमिट जो लिखा है सबमिट पर सिंपल सा कर देंगे क्लिक। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे और इस तरीके से आप देखिए तो ये लर्निंग लाइसेंस हमारे पास डाउनलोड होकर के आ चुकी है, जिसका एप्लीकेशन नंबर ये है। और अगर हम लर्निंग लाइसेंस नंबर की बात करें तो वो लर्निंग लाइसेंस नंबर ये रहा। ठीक है, तो बस यही छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए। इस तरीके के और भी ड्राइविंग लाइसेंस से वीडियोज देखने हों तो ड्राइविंग लाइसेंस नाम के प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर विजिट करिएगा, उसमें मैंने इस तरीके के सभी वीडियोज पहले से बना करके डाल दिए हैं। अगर आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई आप बात पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर अपना कमेंट आप डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर ही दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।